हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा, इट्स टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और अगली वीडियो हमारी होगी इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और तीसरी वीडियो होगी डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और चौथी वीडियो होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT क्या है, और ICT क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, और हम ये भी समझेंगे कि DIT क्या है यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जब हम IT में डिप्लोमा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ये हमारी चौथी वीडियो होगी। ये सब मैं एक वीडियो में डालने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग अलग वीडियोज़ प्रिपेयर कर ली। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेटा टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ की जो वीडियो है सबसे पहले हमारी, यही शुरू करते हैं। डेटा में हमारे साथ है कि डेटा इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड डेटम व्हिच मीन्स टू कलेक्ट और समथिंग इन रा फॉर्म। डेटा जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मानी है टू कलेक्ट, या हम इसे कह सकते हैं कि समथिंग इन रा फॉर्म। समथिंग इन रा फॉर्म का मतलब है कोई भी चीज़ जो प्रोसेस से ना गुजरा हो रा फॉर्म है, और उसी रा फॉर्म को डेटा कहते हैं, और प्रोसेस कहते हैं काम करना और उस काम को अमल में लाना। तो अब आते हैं हम डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन में है अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स सच एज वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। इसका मतलब किसी भी फैक्ट्स और फिगर्स की मजमूए को डेटा कहते हैं, जैसा कि अल्फाज, पैमाइश, मुशाहिदे या सिर्फ किसी चीज़ का हवाला ही क्यों ना हो उसे डेटा कहते हैं। और दूसरी डिफिनीशन में हमारे साथ है कि एनी थिंग इन रा फॉर्म इज कॉल्ड डेटा, यानी कोई भी चीज़ रा फॉर्म में हो उसे हम डेटा कहते हैं। इसका मतलब वो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस से ना गुजरा हो वो डेटा होगा। डेटा इन इटसेल्फ डज नॉट शो एनी थिंग अबाउट इट्स एनवायरमेंट, सो टू गेट डिजायर्ड टाइप ऑफ रिजल्ट फ्रॉम डेटा वी ट्रांसफॉर्म इट इन टू इंफॉर्मेशन बाई अप्लाइंग सर्टन प्रोसेसिंग ऑन इट। प्रोसेस कहते हैं काम करना या उस काम को अमल में लाना, तो इसका मतलब है कि डेटा हमें कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं करता, तो उस रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए हम डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लेते हैं, कुछ प्रोसेसिंग उन पे अप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से वो डेटा से इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। जैसा कि नीचे एग्ज़ाम शीट्स के हवाले से आखिरी एग्ज़ाम्पल दिया गया है, यानी जब एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स पेपर हल कर देते हैं उन एग्ज़ाम शीट्स या पेपर शीट्स को डेटा कहते हैं, कि हमारे पास स्टूडेंट का डेटा आ गया। और जब पेपर्स को टीचर्स चेक करके हर एक के नंबर लगा लेते हैं उसे प्रोसेस कहते हैं, और जब रिज़ल्ट तैयार की जाती है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी उसका जो रिज़ल्ट आ गया वो इंफॉर्मेशन है हमारे साथ, और जो टीचर्स नंबर लगाते हैं और उन पेपर्स को चेक करते हैं वो हमारे साथ प्रोसेस है, और जो स्टूडेंट्स ने पेपर दे दी वो हमारे साथ स्टूडेंट्स का डेटा है। अब हमारे साथ इंफॉर्मेशन तो आ गई यानी रिज़ल्ट शीट्स तैयार हो गई, और वो रिज़ल्ट शीट प्रोसेस से गुजरी हुई होती है, इसलिए उन रिज़ल्ट शीट्स को इंफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एग्ज़ाम्पल में जैसा कि हम देख सकते हैं नेम, एड्रेस, नंबर, ये सब जब रा फॉर्म में हों यानी प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं हों तो वो क्या होगा, वो हमारे साथ डेटा कहलाएगा। जैसा कि राजेश नाम है, कोई भी एड्रेस है, कोई भी नंबर है, वो जब रा फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, वो हमारे साथ डेटा होता है। जब तक वो नाम, एड्रेस या नंबर्स किसी प्रोसेस से गुजर के हमारे पास नहीं आ गए होते हैं वो हमारे साथ डेटा होती है। प्रोसेस कहते हैं काम करना या उस काम को अमल में लाना। आप लोग डेटा की डिफिनीशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा में हमारे साथ सबसे पहले है कि इट इज़ एन अनप्रोसेस्ड फॉर्म। जैसा कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि डेटा प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ होता, जब वो प्रोसेस से गुजर जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ है इट इज़ मीनिंगलेस। डेटा से हम कोई भी फ़ायदा नहीं ले सकते क्योंकि डेटा हमारे साथ रा फॉर्म में होता है,
तो इससे हम कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक वो प्रोसेस से गुजर के इंफॉर्मेशन नहीं बन जाता। जब इंफॉर्मेशन बन जाता है तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं आसानी के साथ। तीसरी प्रॉपर्टी में है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। डेटा से हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, फिर से वही बात कि वो प्रोसेस नहीं हुआ होता। और चौथी प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ईजीली। डेटा को हम आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते, आसानी से नहीं बना सकते, और डेटा हम इतनी आसानी से नहीं ले सकते जितनी आसानी से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ कि डेटा इज़ द इनपुट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डेटा जो है ये कंप्यूटर सिस्टम का इनपुट है, क्योंकि हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, और इसलिए जब हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड या माउस वगैरह के ज़रिए, तो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डेटा इज़ द इनपुट ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद है आप लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास सबसे पहले है अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स लेटर्स ओनली, ए टू जेड कैपिटल लेटर्स या ए टू जेड स्मॉल लेटर्स। ए से लेकर जेड तक या तो कैपिटल लेटर्स हो या उसमें स्मॉल लेटर्स हो या दोनों हो, लेकिन अल्फ़ाबेट से बना गया डेटा अल्फ़ाबेटिक डेटा कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं वर्ल्ड, जो कि लेटर से बना है, सिटी लेटर से बना है, बुक लेटर से बना है, ये सब स्मॉल लेटर है। इसी तरह कैपिटल लेटर के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरी टाइप्स की तरफ, न्यूमेरिक डेटा। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ओनली फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स आते हैं, इससे बनाया गया कोई भी नंबर हो उसे हम न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। एग्जांपल में 1 to 3, 1 to 5, 6, 8, 4 वगैरह कोई भी नंबर हो उसे हम न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। तीसरी डेटा में हमारे साथ सिंबॉलिक डेटा है। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल करेक्टर और सिंबल्स। ये हमारे साथ मुश्तमिल होता है स्पेशल करेक्टर्स या सिंबल्स पर, जो कि स्टार हो गया, एग्जांपल में हम देख सकते हैं स्टार हो गया, हैश हो गया, परसेंट हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, एंड हो गया, पावर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह सिंबल्स या स्पेशल करेक्टर्स मौजूद हैं जिसे हम सिंबॉलिक डेटा कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, इट कंसिस्ट और कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, ये तीनों की कम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हाउस नंबर है, अल्फ़ाबेट है, सिंबल की तौर पे हैश दिया गया है, 36 नंबर दिया गया है, और कॉन्टैक्ट लिखा गया है, ये भी अल्फ़ाबेटिक डेटा है, और हैश दिया गया है, ये सिंबॉलिक डेटा है, और 091 जो नंबर दिया गया है ये हमारे साथ न्यूमेरिक डेटा है। जैसा कि पहले एग्जांपल में हमने देखा, जो कि तीनों के कम्बिनेशन से बनाया गया है, हाउस नंबर जो कि हमारे साथ अल्फ़ाबेट है, हैश हमारे साथ सिंबल है, और 36 जो हमारे साथ नंबर है, और दूसरा एग्जांपल भी इसी तरह तीनों के कम्बिनेशन से मिलके बना है। अब हमारे साथ फिफ्थ नंबर पर है वीडियो डेटा। वीडियो डेटा इज़ द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ इमेजेस विद स्पीड। ये छोटी सी डिफिनेशन लिखी है मैंने कि वीडियो डेटा जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म है तस्वीरों की, कंटिन्यूस फॉर्म जो कि स्पीड के साथ चेंज होती जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ इमेजेस एंड मूविंग पिक्चर्स। वीडियो डेटा मुश्तमिल होता है इमेजेस एंड मूविंग पिक्चर्स पर। एग्जांपल में जैसे हम देख सकते हैं ड्रामा, मूवी, टीवी न्यूज़, ये सब वीडियो डेटा है। अब हम आते हैं ऑडियो डेटा की तरफ। इट कंसिस्ट ऑफ साउंड्स ओनली, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ साउंड होगा, आवाज़। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं MP3 हो गया, ऑडियो क्लिप होगी, रेडियो न्यूज़, रेडियो जब हम सुनते हैं तो एक साउंड डेटा है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। और अब आते हैं सातवें नंबर की तरफ। सातवें नंबर में हमारे साथ हैं ग्राफिक डेटा। द ग्राफिक्स डेटा कंसिस्ट ऑफ ग्राफ्स, फोटोज, चार्ट्स, टेबल्स, स्टेटमेंट्स। ग्राफिक डेटा मुश्तमिल होता है जिसमें हमारे साथ ग्राफ्स होंगे, फोटोज़ होंगी यानी तस्वीरें होंगे, चार्ट्स होंगे, टेबल्स होंगे, या स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे साथ ग्राफिक डेटा होगा। और आखिरी नंबर पे हमारे साथ है मिक्स डेटा। मिक्स डेटा इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स सच एज ऑडियो, वीडियो एंड चार्ट्स एट्सेट्रा। यानी मिक्स डेटा हमारे साथ मिक्सचर होगा, बहुत सारे डेटा टाइप्स का एक मिक्सचर होगा, जैसा कि ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, ये सब कॉम्बिनेशन से बनाया गया एक मिक्स डेटा क्रिएट हुआ होगा इन सब की कॉम्बिनेशन से, उसे हम मिक्स डेटा कहेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे साथ जुड़ी रहिए इस तरह की मज़ीद और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।